फैमिली में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और मैं छोटी छोटी आप लोगों के लिए छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स डेली बेसिस पे लेके आऊँगा। और मैं बता दूँ कि ये ट्रिक्स एंड टिप्स अब डे टू डे इन लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं इन रियल टाइम एनवायरमेंट। ओके, सो आज जो बेसिकली हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से हम अपने वाईफाई पासवर्ड को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हम यहाँ से भी जाके हम देख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कमांड लाइन के ऊपर सारी चीज़ें सिखाऊँ, और कमांड लाइन पे जो दोस्तों करने का जो इंटरेस्ट है कुछ और ही है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वाईफाई के पासवर्ड को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। मैं विंडोज 8 यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है विंडोज 7 या 10 यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, सर्च बार पे जाके राइट क्लिक करके आपको यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, ध्यान रहे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना जरूरी है, अदरवाइज आपका कमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CD/ में आई थिंक आप लोगों को MS-DOS की बेसिक नॉलेज होगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है और आप मेरे से कमांड प्रॉम्प्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि नहीं मुझे आपको कमांड प्रॉम्प्ट भी सीखना है टू द स्क्रैच, तो मैं आप लोगों को वहाँ से स्टार्टिंग से ही आप लोगों को सीख सकाऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या है कि किस तरीके से मैं अपने वाईफाई पासवर्ड को देख सकता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे इस वाईफ सिस्टम के ऊपर बहुत सारी प्रोफाइल्स बनी होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर है, वट एवर, और भी कई बारी सेफ प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी जो मेरी जो मैं जो कोई कनेक्टेड हूँ वो जियो के साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कमांड टाइप करूँगा नेट एस एच। ठीक है, नेट शेल, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट शेल, NETSH नेट शेल। लिखने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है WLAN एंड देन शो प्रोफाइल। इसमें क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोफाइल्स हैं सारी की सारी शो कर देंगे। ठीक है, जस्ट एंटर, ये देखिए मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नाउ इट इज़ ओके। तो ये सारी प्रोफाइल मेरे सिस्टम के ऊपर सेव्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो मेरे को जिसकी प्रोफाइल की जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है जियो की। मैं अभी किसके साथ कनेक्टेड हूँ, जियो के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं इस प्रोफाइल के साथ काम करूँगा। ठीक है, मैं ये देखूँगा कि मुझे इसका पासवर्ड कैसे, यानी जिस जियो के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिस वाईफाई जियो के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे उसका पासवर्ड गेट करना है। तो आपको करना क्या है, आपको टाइप करना है नेट एस एच स्पेस देके WLAN यानी वायरलेस लैन, उसके बाद स्पेस देके आप प्रोफाइल टाइप करेंगे, ये शो प्रोफाइल, उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल का नाम लिखना है, जैसे कि मेरे इन केस में जियो है। ठीक है, ध्यान रहे कि आपके जो भी आपके वाईफाई का नाम होगा वही आपको टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे केस में जियो है, मैं जियो से कनेक्ट हूँ, मुझे जियो का पासवर्ड देखना है, जियो पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद स्पेस देके आपको यहाँ पे लिखना है की और इक्वल टू CLEAR क्लियर। ये कमांड से आप क्या कर सकते हो, आप इस जो जियो के साथ आप जो कनेक्टेड हो उसका पासवर्ड आप देख सकते हो, एंटर करो। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आ रही है, तो हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें देखनी है सिक्योरिटी सेटिंग। देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग, इस सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा की कंटेंट, दिस इज़ द पासवर्ड, ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है। और मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे जाओ राइट क्लिक, सॉरी यहाँ से ना करके मैं एक काम करता हूँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन सेटिंग सेंटर पे चलते हैं, एंड देन यहाँ से हम चलते हैं अडेप्टर सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे मेरा वायरलेस सेटिंग है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आएंगे और यहाँ पे आपको आना होगा शेयरिंग, आई थिंक वेट एक मिनट दीजिए मुझे, स्टेटस, हाँ राइट क्लिक स्टेटस, और यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे शो करेक्टर, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब हम ऐसे भी जा सकते हैं लेकिन कमांड से करने का मतलब अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, कई बार होता है कि विंडोज़ हम कोई दूसरा यूज़ कर रहे होते हैं, कई लोग होते हैं विंडोज 7 के साथ फैमिलियर होते हैं, कई लोग विंडोज 8 के साथ फैमिलियर नहीं होते, 10 के साथ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे उस केस में आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है बहुत आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने सोचा कि आप लोग के लिए बनाऊँ।
तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख के, किस तरीके, अगर इस तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपन नए लेक्चर के साथ, इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? सॉरी दोस्तों, बहुत दिन से वीडियोस बनाने नहीं बना पा रहा था, इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। इस टेक बाइक फैमिली में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और मैं छोटी छोटी आप लोगों के लिए छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स डेली बेसिस पे लेके आऊँगा। और मैं बता दूँ कि ये ट्रिक्स एंड टिप्स अब डे टू डे इन लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं इन रियल टाइम एनवायरमेंट। ओके, सो आज जो बेसिकली हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से हम अपने वाईफाई पासवर्ड को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हम यहाँ से भी जाके हम देख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कमांड लाइन के ऊपर सारी चीज़ें सिखाऊँ, और कमांड लाइन पर जो दोस्तों करने का जो इंटरेस्ट है कुछ और ही है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वाईफाई के पासवर्ड को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको सीएमडी टाइप करना है। मैं विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है विंडोज 7 या 10 यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, सर्च बार पे जाके राइट क्लिक करके आपको यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, ध्यान रहे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना जरूरी है, अदरवाइज आपका कमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सीडी स्लैश में आई थिंक आप लोगों को एमएस डॉस की बेसिक नॉलेज होगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है और आप मेरे से कमांड प्रॉम्प्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि नहीं मुझे आपको कमांड प्रॉम्प्ट भी सीखना है टू द स्क्रैच, तो मैं आप लोगों को वहाँ से स्टार्टिंग से ही आप लोगों को सीख सकूँगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या है कि किस तरीके से मैं अपने वाईफाई पासवर्ड को देख सकता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे इस वाई सिस्टम के ऊपर बहुत सारी प्रोफाइल्स बनी होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर है, व्हाटएवर, और भी कई बार सेफ प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी जो मेरी जो मैं जो कोई कनेक्टेड हूँ वो जियो के साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कमांड टाइप करूँगा नेट एस एच। ठीक है, नेट शेल, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट शेल, NETSH नेट शेल। लिखने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है WLAN एंड देन शो प्रोफाइल। इसमें क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोफाइल्स हैं सारी की सारी शो कर देंगे। ठीक है, जस्ट एंटर, ये देखिए, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नाउ इट इज़ ओके। तो ये सारी प्रोफाइल मेरे सिस्टम के ऊपर सेव्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो मेरे को जिसकी प्रोफाइल की जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है जियो की। मैं अभी किससे साथ कनेक्टेड हूँ, जियो के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं इस प्रोफाइल के साथ काम करूँगा। ठीक है, अब मैं ये देखूँगा कि मुझे इसका पासवर्ड कैसे है, यानी जिस जियो के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिस वाईफाई जियो के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे उसका पासवर्ड गेट करना है। तो आपको करना क्या है, आपको टाइप करना है नेट एस एच स्पेस देके WLAN यानी वायरलेस लैन, उसके बाद स्पेस देके आप प्रोफाइल टाइप करेंगे, ये शो प्रोफाइल, उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल का नाम लिखना है, जैसे कि मेरे इन केस में जियो है। ठीक है, ध्यान रहे कि आपके जो भी आपके वाईफाई का नाम होगा वही आपको टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे केस में जियो है, मैं जियो से कनेक्ट हूँ, मुझे जियो का पासवर्ड देखना है, जियो पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद स्पेस देके आपको यहाँ पे लिखना है की और इक्वल टू CLEAR क्लियर। ये कमांड से आप क्या कर सकते हो, आप इस जो जियो के साथ आप जो कनेक्टेड हो उसका पासवर्ड आप देख सकते हो, एंटर करो। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आ रही है, तो हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें देखनी है सिक्योरिटी सेटिंग। देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग, इस सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा की कंटेंट, दिस इज़ द पासवर्ड, ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, और मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, सॉरी यहाँ से ना करके मैं एक काम करता हूँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन सेटिंग सेंटर पर चलते हैं, एंड देन यहाँ से हम चलते हैं अडेप्टर सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे मेरा वायरलेस सेटिंग है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आएंगे, और यहाँ पे आपको आना होगा शेयरिंग, आई थिंक, वेट एक मिनट दीजिए मुझे, स्टेटस, हाँ राइट क्लिक स्टेटस, और यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे शो करेक्टर। आप देख सकते हैं
ये देखिए, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन कमांड से करने का मतलब अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, कई बार होता है कि विंडोज़ हम कोई दूसरा यूज़ कर रहे होते हैं, कई लोग होते हैं विंडोज़ 7 के साथ फैमिलियर होते हैं, कई लोग विंडोज़ 8 के साथ फैमिलियर नहीं होते, 10 के साथ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे उस केस में आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है बहुत आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने सोचा कि आप लोग के लिए बनाऊँ। तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख के, किस तरीके, अगर इस तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।